तो चेयरमैन किसे बना रहे विरोध कब गए? आपका चेयरमैन कमल को जीता देंगे? सुधीर मान को क्यों असवारी तुम्हारे क्यों नहीं बना रहे? नहीं बना रहे क्यों? नहीं, वोट किसे दोगे? की बार हम तो पूछ रहे वोट किसे दोगे या नो ही दो किसी को भी क्या? नहीं वोट देंगे, वोट देंगे कमल को देंगे, रुपए देंगे जज के यहाँ से वो पेश हो। अच्छा कोई नेता साथ नहीं, कोई नेता साथ नहीं, तीन एक लिसन बागपत के अंदर देगा जो एससी बैठाएगा। अच्छा तीन देगा जो कोई सी में भी सुनाई आई हो, तो हम वोट कैसे देंगे जो हमारी सरकार सुनने की नहीं है? मेरे ये बच्चे वीरान हो रहे जरा जरा से है, और वो कोई मेरी जेल में डाल दी, इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। परेशानी है यहाँ, यहाँ सब सफाई हो रही है। हाँ नहीं परेशानी मेरे भाई, ये देख लो बड़े भाई, आ जाओ आप, ये देख लो मेरे भाई, ये परेशानी है बड़े भाई, देखो कितनी गर्मी कह रहे फिर लाइट क्यों योगी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, गुंडागर्दी को खत्म कर दी, सबसे बड़े काम तो ही करा, और हम योगी जी को फोन देंगे, अभी वोट उसे देंगे, कमल को देंगे, काम हो या ना हो, कोई काम हो या मत हो वोट कमल को दोगे? कमल को देंगे। और जावे ना सोता लेने भी दोपहर के टाइम, जो गर्मी की दोपहर हो, यहाँ बैठे हुए दारू पियो जा, जाट के लड़के मतलब फुर वाले। अच्छा वही आते जाते लड़के अगर बम्बे को छोड़ दे, मेरी बहू है वहाँ से, तो एक आध दफे इसको भी छेड़ी, इधर कॉलोनी के को भी छेड़ी। यहाँ भैया एक तो लाइट भी नहीं थी, ये भी चंदा करके लगाई लाइट, अना रोड पे लाइट है, अंधेरे उजाले में आवे तो लोग दिक्कत बनती है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही बड़ोद में सियासी रंग बदलते जा रहे हैं। बड़ोद की काशीराम आवास कॉलोनी है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या है के हालात है, और लोग किसका साथ देने के लिए तैयार है, किसके साथ अब की बार चेयरमैन का ताज बनने वाला है। तमाम लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काशीराम कॉलोनी में कई समस्याएं ऐसी हैं। यहाँ से जो बड़ोद की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन जो बीच का नहर का रास्ता है, यहाँ पर कहीं भी कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। तमाम लोग साथ में बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है जी। अच्छा नईम जी, लगभग कई सालों से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ जी। मुझे क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्या ये ज्यादा ही आई जी लाइट के रोड पे, वो समस्या कुछ नहीं है, रोड बिल्कुल खत्म है जी, अरे अंधेरा रहता है बिल्कुल, दी बेटी आती है देखो, यहाँ आदमी छेड़ते हैं, लूटपाट करते हैं, उसके सबसे सबसे समस्या ये है। महाराज जी तनु कह रहा कोई नहीं छेड़ रहा किसी को, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। भाई जी महाराज जी भी सब जी सारे रह गए मेरे भाई, कोई नहीं होता तो मेरे भाई, यहाँ सांझ के टाइम देखे मेरे भाई आता आदमी, पुलिस कोई प्रशासन कोई सहयोग नहीं, पुलिस भी नहीं आती मेरे भाई, कोई भी नहीं आता मेरे बड़े भाई, कोई भी नहीं आता, वो कभी कभी का चक्कर लगता था, कभी कभी बुलाओगे तो आ जाएगी, ना बुलाओगे तो आने की नहीं मेरे। और इस तरह क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ की क्या परेशानी है? यहाँ यहाँ सब सफाई हो रही है? हाँ नहीं परेशानी मेरे भाई, ये देख लो बड़े भाई, आ जाओ आप, ये देख लो मेरे भाई, ये परेशानी है बड़े भाई, देखो कितनी गंदगी है। अब दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ यहाँ पर जो है जो नाले है, जो जल निकासी की व्यवस्था है पूरी तरह से खराब हो गई है। कोई झाड़ू लगाने वाला आता, नगर पालिका वाले, कोई कोई नहीं आता मेरे भाई, यहाँ अपने हाथ से करते हैं तब भी रुकाव हो जाता है इससे, यानी काफी हद तक हमने मेहनत कर चुके हैं इसमें, अपने अपने जितने पैसे लेके चलते हैं, अपनी संस्था जोड़ते हैं, उसके लिए सभी जुड़ते हैं, और उससे काम करवाने के लिए काम होता है। कुछ संस्था में कोई लाभ नहीं मिल रहा है जी, सरकारी संस्था से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, न चेयरमैन से न मेंबर से। चेयरमैन ने तो बड़े बड़े वादे करके आए थे, चेयरमैन तो भाई साहब यकीन माने वो लगाए ब्रेकर, चेयरमैन ने हमारे यहाँ बड़ोद का जो चेयरमैन था उसने ब्रेकर लगाए, और कुछ नहीं विकास कुछ नहीं करा, रोड करना कही का। तो अब की बार किसे दोगे वोट? कमल के फूल को? नहीं कमल का फूल हो कोई भी, जो हमारी काशीराम कॉलोनी का विकास करेगा उसे वोट देंगे। सुधार वोट की कमी लग रही है, इस तरह सफाई का लग के कमी है मेरे भाई, बिजली नहीं थी, खम्भे पर हमने लगाई बिजली, चंदा गिर गिर के बिजली लगाई मेरे भाई, हमने चंदा गिर गिर के मेरे भाई जी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं जी। क्या नाम? लता है भैया। क्या क्या समस्या यहाँ बड़ोद में है? आप काशीराम आवास कॉलोनी में, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, प्रकाश की व्यवस्था कैसी है जी? यहाँ भैया एक तो लाइट भी नहीं थी, अभी चंदा करके लगाई लाइट, अना रोड पे लाइट है, अंधेरे उजाले में आवे तो लोग दिक्कत बनती है बहुत ज्यादा। अच्छा जो प्रतिनिधि थे आप कितनी बार यहाँ जो आए थे, चेयरमैन कितनी बार आया? चेयरमैन तो एक दफे भी नहीं आया, वोट मांगने तो यहाँ पे कई दफे लिए, 4-5 बार लिए। वोट किसे दे रहे हैं अब की बार? जिसे कहोगे उसे देंगे,
जो यहाँ का सुधार करेंगे। यहाँ सुधार हो तो उसे देंगे वोट। क्या क्या सुधार चाह? ये नाली भरी पड़ी भैया, नालियों की दिक्कत है बहुत ज्यादा, यहाँ पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था बहुत दिक्कत बन रही यहाँ पे। हाँ, पीने का पानी नहीं है? पीने का पानी नहीं है, नल के पता खींच खींच का भर रहे हैं अभी। और पेंशन? पेंशन मेरी बनी नहीं है। कितनी उम्र होली? मेरी तो होली होगी करीब 45 के करीब होगी। 60 उम्र है पेंशन? 45 के करीब। विधवा हूँ मैं। विधवा पेंशन नहीं? अभी नहीं भैया। बहुत बड़ी समस्या है जी। हाँ जी, ये समस्या है जी, नाली भरी पड़ी और जी सड़क भी चाहिए और जी क्या नाम लेकर है वो भी चाहिए, लाइट भी चाहिए और रोड भी बनना चाहिए। हाँ जी, कितने पानी में जाओ, परेशानी बना। वोट किसे दोगे अगली बार? हम तो पूछ रहे वोट किसे दोगे या नो ही दो किसी को क्या? नहीं, वोट देंगे, वोट देंगे कमल को देंगे। कमल क्यों दो? कमल तो विकास कुछ करा ही नहीं। करे ही ना, आगे करेंगे उन्हें देंगे। जो महंगाई को करेंगे उसे महंगाई करनी चाहिए भैया, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गैस सिलेंडर देखो कितना महंगा है। सब सब मजदूर आदमी जी यहाँ पे, और महंगाई इतनी हो रही, रोटी भी नहीं खा सकते। 200 रुपए देंगे, 200 रुपए में आटा ले आवे, दाल ले आवे या तेल ले आवे, क्या ले आवे या दूध ले। हाँ जी, अच्छा किस किस बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं? पूरी सब है जी, बिरादरी बड़े भाई 36 तरह की बिरादरी है। तो चेयरमैन किसा बना रहे बड़ोत कब गए? आपका चेयरमैन कमल को जीता देंगे। सुधीर मान को क्यों अश्वनी तोमर को नहीं बना रहे? नहीं बना रहे क्यों? नहीं कहा चल, क्या करा बताओ, क्या करा? ना तो कमल ना करा, ना मतलब क्या करा? योगी जी ने जो करा अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। योगी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, गुंडागर्दी की बिल्कुल खत्म कर दी। सबसे बड़े काम तो ये करा, और हम योगी जी को फोन देंगे, अभी वोट उसे देंगे, कमल को देंगे, काम हो या ना हो, कोई काम हो या मत हो वोट कमल को दोगे? कमल को देंगे लोग, है ना, काम हो या मत हो लेकिन वोट कमल को देंगे। अब और लोग भी मेरे साथ में, आप बताइए किसा बना रहे चेयरमैन बोर्ड को? चेयरमैन जो कोई मारा सुधार करेगा उस चेयरमैन, कोई यहाँ सुधार करने वाला कहने वाला कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं आता। ये गरीबों की कॉलोनी है, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ तो एक बार आज तक का 5 साल मुझे हो गए, मैंने चेयरमैन को यहाँ खड़ा हुआ नहीं देखा आज तक। 5 साल कोई मेंबर अरे लाइन लग रही मेंबर चेयरमैन क्यों वोट लेने, और वोट लेते सर लौट जा, कोई मरिया या जीवे ना सी, कोई मतलब नहीं है। सुधार होगा जी, हम तो जाए खुल गए, हम नहीं बना रहे देखेंगे कैसे बना ले, अभी हम कैसे बता दें आप, इन्हें पता ही नहीं किसा बनाओगे। पता ही नहीं किसा बनाओगे चेयरमैन, वोट तो हमें देनी है पर अभी एकदम निर्णय नहीं देंगे। हम अभी अभी देख रहे हैं पब्लिक को, हमारे इसमें नेता लोग क्या कर रहे हैं। रोड पे जाकर देख मेरे भाई कैसा रोड है। एक मिनट यार सुनो, तुम्हारे पे कुछ बोलना तो जा नहीं रहा। रोड देखो कैसा है, रात को अगर लेट सेवर आदमी आने लगे ना मरी जाएगा, आदमी मरी जावे जिंदा नहीं आता अंदर आदमी। पीछे यहाँ बैंड करोटे बदमाश बैठक रहे थे, ये तो 100 नंबर को 112 को हम बुला रहे, जब जाकर आए जब 2-4 दिन का काम हुआ। सुनो, बहुत केस हो चुके हैं वहाँ भाई साहब। सुनो, गुंडागर्दी मैं बता रहा हूँ, जब से योगी सरकार आई है आधी रात को आओ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब खत्म कर दी। योगी जी सरकार बहुत अच्छी है, हम योगी को सपोर्ट करेंगे फिर दोबारा भाजी। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं योगी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो? योगी को ही करेंगे, आप योगी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, गुंडागर्दी कम है भैया, खत्म कर दी। तो कह रहे हैं आप बदमाश बैठे रहो। नहीं अब तो नहीं बैठते, पर वो लाइट वाइट लग जाना है उसका सुधार हो जाए। लाइट सड़क
बहुत बहुत आसान तरीका हो गया। आज रात को 11 बजे 12 बजे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई छेड़खानी है, चढ़ गया धी बैठी हो किसी की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है, फिर लाइट क्यों करेगा? लाइट क्यों हमें जरूरत नहीं है, फिर लाइट क्यों कर रहे, फिर योगी फिर लाइट क्यों क्यों कह रहे तुम, फिर कैसे कह रहे तुम, नौ लोग दल का कह के कर रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, दो लोग कह लग कुछ भी, हाँ बताओ लोग दल गो, मैं जी भी तो कह रहा दे बेटी सब किया हुआ है, लगी लाइट लगी गई रोड पे। भाई साहब आप भी आए होंगे, बताओ ईमानदारी से आप भी आए होंगे। भाई गरीबों की कॉलोनी यहाँ कोई नहीं सुनवाई करता, या गरीबों की कॉलोनी कोई नहीं सुनवाई करता, होती ना आकाश विकास होता या होता अर्जुनपुरा में होता के नल लेकर सी ऑफिस के पीछे तो हर तरह की सुनवाई होती, लाइट भी लगती और सारे काम होते, हर बार चक्कर काटते, कोई नहीं आता यहाँ। वार्ड में तो अभी जुड़ा है ना ये कौन वार्ड में, ये अब से पहले नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन अभी बार लोग हमारे आगे विधायक साहब कौन है, हमारे आगे विधायक साहब कौन है, हमारे आगे विधायक साहब कौन है, राजमंत्री कौन है, विधायक केबी मल्लिक साहब है, केबी मल्लिक साहब 10 साल से हैं, विधायक साहब 10 साल से हैं, एक दफे भी नहीं आया आज तक यहाँ, बताओ तो वोट क्यों देख रहे हो आदमी को, अगर निर्णय कर लिया वोट पहले की सदी थी, पहले की सदी थी पहले तो कृष्ण पाल मलिक को दी थी, साहब को दी थी मलिक, कृष्ण पाल मलिक को चेयरमैन भी रहे गए नेता हो गए बढ़िया है, यकीन मैंने काम कर रहे मलिक, हमारा अगर चेयरमैन दोबारा बनता हो तो बहुत अच्छी बात है, मलिक ने जो चेयरमैन हो जाने मलिक यकीन मानिए भाई साहब, मलिक साहब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़े भाई चेयरमैन हमारी बड़ौद में ऐसा हो या नहीं, मलिक साहब का ऐसा कोई नहीं आया आज तक भाई, मंत्रियों में आपका भाई उनकी पोस्ट होगी। आप कुछ कह रहे थे जी, हाँ ये बताओ, गरीब बेटी दी की शादी हो तो लोग बाग चंदा करके जब शादी करे, कोई भी ऐसा नहीं आता कि लो भाई 10-5 हजार रुपए हम भी दे रहे, 4 महीने तक जा रहे सबके बना निष्कासी राम वालों के, 6 महीने तक राशन कार्ड का अब तक उन्होंने पता लगा कागू है कोना है राशन कार्ड का पता लगा किसी का, बताओ इस तरह से क्या गरीब भी चाहिए, राशन कार्ड तक कट गए यार यहाँ के आदमी हो गए, राशन कार्ड तक कट गए, बताओ राशन किसे मिल रहा, बताओ नहीं बताओ भैया, राशन कार्ड तक कट गए किसी के बेचारे गरीब के यहाँ के राशन, आधे आदमी ऐसे जो बिगर अपना नाच मोल खरीद के खा रहे, तो राशन कार्ड बनवाने जाओ जब गए हो भाई, 3 महीने से ज्यादा हो गए नगर पालिका में फार्म जमा हो रहे, बल्कि 4th महीना हो जाएगा पूरा, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो, जाने धक्के देने जाओ तहसील में जाओ 10 नंबर पे जाओ 36 नंबर पे जाओ, सुनाई की बात ये है मेरे बच्चों को मारा यहाँ, 27 साल के बच्चों को यहाँ मारा काटा, 3 बच्चों का बाप है, मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरे बच्चे है जिससे छोटे हो रहे, किसी फिर मुँह से गंदी निकले किसी ने सुनाई नहीं करी, सुना कम बोल, यहाँ भट्टे पे मारा गर्दन काटी वहाँ से मारा भट्टे पे चला के, अच्छा अब भट्टे वालों ने वो जो इनके वो लग रही है LCD विस्की वो नहीं दी इन्होंने, कैमरा नहीं दिया, अच्छा जाके गायत्री पे लग रहा वहाँ से कैमरा नहीं, पुलिस वालों ने वो भी दाब लिया, वो वहाँ से जाके पेश हो गया जिसने मारा, अब इसको रिमांड पे नहीं, पुलिस वालों ने बुलाया इससे पैसे खा ले 2.5 लाख रुपए दे के जज के यहाँ से वो पेश होया, अच्छा कोई नेता साथ नहीं, कोई नेता साथ नहीं, तीन एक लिसन बागपत के अंदर देगा जो एससी बैठाएगा, अच्छा 3 देगा जो कोई सी में भी सुनाई आई हो, तो हम वोट कैसे देंगे जब हमारी सरकार सुनने की नहीं है, मेरे ये बच्चे वीरान हो रहे जरा जरा से है, और वो कोई मेरी जेल में डाल दी इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया है, देख ये बाप और मैं माँ हूँ, देख वो भाई है मेरे बच्चों, भाई ये तो बेकार हो, देख ये बड़ा भाई है योरा, और देख ये बच्चे अगर एक बच्ची गोद में 3 महीने की है जो उन्हें छोड़ रखी बहू पे, अच्छा तो हम कैसे वोट दे देंगे, हम नहीं देने कैसे वोट किसी को भी, जवान जवान अच्छा अंधेरा मेरे 4 कम बच्चे 6 कमरे में लग रहा है, इस रोड पे अंधेरा इतना है आदमी कहीं को बैठ के बैठ जाओ उन्होंने पता लगता कि कौन बैठा, चाहे वो पीछे था कुछ भी आगे कर दो, 9-10 बजे मार दिया था रात को और सुबह को 7 बजे जब यहाँ से पब्लिक गए जब देखा कटा हुआ वहाँ पड़ा पेंट भी नीचे उतरी हुई थी मेरे बच्चे की मिट्टी पड़ी, अच्छा जो मिट्टी का ढाल है इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ युवा साथी भी है जी, ऐसी क्या बात है जो अगर हम तो पूछना भी चाह रहे हो जी, देखो पब्लिक का जो निर्णय है वो सही है, हम इससे ज्यादा और क्या कहें, हमारी कॉलोनी में जो हमारी जो समस्या है वो अगर अगर सोल होती रहेगी कौन आवाज उठाएगा, जो विकास करेगा उसके लिए हम आज रात हाजिर है,
कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो विकास करे अब की बार वोट उसको दी जाएगी। सबसे बड़ी समस्या इस रास्ते पर तो प्रकाश की है, दूसरी कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार जो होती है और तो जावे ना सोता लेने भी दोपहर के टाइम जब गर्मी की दोपहर हो यहाँ बैठे हुए दारू पियो जा जाट के लड़के मलकपुर वाले। अच्छा भाई आते जाते लड़के अगर बम को छोड़ दे मेरी बहू हैगी और वहाँ से तो एक आध दफे इसको भी छेड़ी इधर कॉलोनी को भी छेड़ी। ऐसा कुछ सारे तो यहाँ लुच्चे नहीं है, सारे यहाँ अच्छे नहीं है। जो अच्छों के साथ अच्छे भी है ना वे भी लुच्चों के साथ में लुच्चे ही हो रहे हैं। तो पुलिस को अपना पुलिस को तुम फोन कर दो अभी आ जाएंगे, तुमने 500 रुपए उसकी जेब में डाल दे पुलिस चली जाएगी। यह काम है यहाँ तो का। बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं लगातार। पुलिस प्रशासन कह रही है यहाँ पर जो रात में गश्त होती है वो भी नहीं होती है। सफाई व्यवस्था की बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, पेंशन की बड़ी समस्या है इस काशीराम कॉलोनी में। अब की बार पहली बार नगर पालिका क्षेत्र में आया है, तमाम लोग बड़े परेशान हैं। अब की बार देखते हैं किसको ये चेयरमैन सुनते हैं और किसके सर पर चेयरमैन का ताज बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप आर्य बागपत।